विदिशा जिले के विकास खंड गंज बासोदा की ग्राम पंचायत सत्ताखेड़ी जाजोन के आदिवासी बाहुल्य ग्राम सुजा मालूद विगत 8 माह से जल संकट से जूझ रहा है, जिसमें ग्राम के 4 हैंडपंपों में से 3 हैंडपंपों में लापरवाही पूर्वक पाइपलाइन गिर गई और एक हैंडपंप से गांव की जल पूर्ति नहीं हो रही है, जिसके ग्रामीणों ने अधिकारियों और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हो सका, जिससे नाराज होकर ग्रामीणों ने पठारी गंज बासोदा के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर हैंडपंप सुधारने की मांग की, जिसके चलते गंज बासोदा नायब तहसीलदार अपूर्वा दुबे और पठारी पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर तत्काल हैंडपंप सुधारने के निर्देश कर चक्का जाम खुलवाया। कुरवाई पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। महीना से पानी नहीं है, पानी चाहे नहीं, हैंडपंप पूरी लाइन पटक दी, सरपंच सुनता नहीं है, बताओ हम कहाँ जाए। तो 50 रुपया मांगते हैं, घर पीछे हम लकड़ी बेचते हैं, हम कहाँ से पैसा दें। पीने के लिए पानी और पीएचसी वाले सुनते नहीं है, 181 पर फोन लगाते हुए कहते हैं हाँ पीएचसी वाले पहुँचा रहे हैं, सुधारने वाले पहुँचा रहे हैं, कोई आता नहीं है। मुकेश धानी ठेकेदार है, उसे फोन लगा फिर भी नहीं सुनते, कहते थे हमारी टीम आ रही है, आना ना जाना सर। अरे करीबन 8 महीना हो गए। सूचना प्राप्त हुई थी कि मथुरापुर के रोड पर चक्का जाम कर दिया है, तो ग्रामवासियों ने पानी की पीने के पानी की समस्या की है, जिनकी अगर समस्या सुनी है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। समस्या आई थी कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप सब बंद पड़े हुए हैं, तो फिर जैसे हमें पता चला हम लोग आए हैं, संबंधित हमने जो डिपार्टमेंट है शासकीय है पीएचई उनको बुलाया है, एनजीओ सब आए हैं, यहाँ पे जितने भी हैंडपंप हैं जो 2 या 3 सुचारू रूप से चालू हैं और जिनमें दिक्कत है वहाँ पे हमने कार्रवाई स्टार्ट करवा दी है। विदिशा जिले के थाना पठारी में पदस्थ थाना प्रभारी संदीप चौरसिया